तो गाइज बाकी ये है अपना शोरूम जमुना मोटर्स नाम से, बाईपास गोवर्धन चौराहा है, बाईपास चले गया है। इसका नाम है ट्रिपी। ट्रिपी आओ आओ, ऐसे क्या देख रहा है भाई, ले आ, हैंड चेक। अभी खेल रहा था ये, हैंड चेक। ओ चढ़ गया, देखो खड़ा हो गया दोनों। हेलो हेलो, चलो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे। और बहुत दिन बाद आज ब्लॉग देख रहे हो आप, और ऑलमोस्ट दो हफ्ते बाद, तो शायद दो हफ्ते पता नहीं कितना टाइम हो गया, सात दिन से तो ऊपर हो गए। और क्योंकि मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था, मेरी तबीयत ख़राब थी, फीवर आ रहा था और अभी भी गला वाला सब ख़राब है। और अभी मैं जा रहा हूँ मथुरा, एंड ये खड़ी अपनी बाइक, पूरा टैंक फुल करा दिया। देखो दिखाई देता हूँ आप सबको यार, चलो ऊपर हो, ये देखो भाई ये, हाँ चलो जो भी दिख रहा है ना, टैंक फुल है। सो मैंने स्पेशली वहाँ पे काम हो रहा था तो वहाँ पे आवाज़ आ रही थी, तो मैंने रुकवाया कि भैया प्लीज़ बंद कर दो, ब्लॉग स्टार्ट करना है। तो अब फटाफट निकलते हैं मथुरा, भगवान के दर्शन करके आएंगे और भगवान जी से उसको उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्लीज़ वो हमारी ही हो। तो मिलते हैं आगे। तो गाइज मैंने दीपक को उसके कॉलेज से उठा लिया है, जीएलए से, और ये अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दी है। और अभी हम पीजी में जा रहे हैं। हमें कौन से फ्लोर पे जाना है दीपक, ये बता। फर्स्ट फ्लोर पे ही है, और रूम में एंट्री करेंगे। दिखाता हूँ मैं कि कॉलेज के लोग कैसी हरकतें करते हैं, क्या हमारे दोस्त सही हैं, मतलब दीपक के दोस्त सही हैं या नहीं, ये अभी हमें पता चलेगा। दरवाज़ा खटखटा दिया है, देखते हैं क्या होगा। भाई गेट क्यों नहीं खोल रहे ये लोग? दीपक गेट क्यों नहीं खोल रही है? नशा कर रहे हैं भाई ये लोग अंदर। खुलवा भाई खुलवा, खुल गया दरवाजा, खुल गया है। और ये है हमारे कृष्णा भाई, और ये लाश कौन बना हुआ है? ओहो धनंजय भाई, ये धनंजय भाई। कृष्णा भाई आप नंगे क्यों घूम रहे हो, क्या आप दोनों के बीच कुछ हो रहा था? अच्छा ठीक है, फिर आप लोग मेरे नेक्स्ट व्लॉग में हो। अबे धनंजय बाहर क्यों चला गया? कृष्णा धनंजय बाहर क्यों गया? कॉल आ गया, इम्पोर्टेंट कॉल आ गया। तो कृष्णा तुम कैसे हो ये बताओ? मैं ठीक हूँ, दीपक भाई से पूछो आप। दीपा भाई तो फोन चला रहे हैं। तो यार ये बताओ, ये तुमने जो पीजी लिया है ये कितने रुपए का पर बेड है? भाई ये पर बेड है 8.5K। 8.5K क्या होता है भाई? 8,500। 8,500 ओके। तुम धनंजय को बोला, धनंजय बाहर चला गया यार। मुझे दीपक भाई ने सिखाया है ये। क्या हजार को के बोल दिया करो, इससे क्या होता है पूछो इनसे। दीपक क्या होता है इससे? कुछ नहीं होता, इससे कूल लगोगे। कूल लगोगे? मिनी जेन जी हो आप तो बहुत बड़े। जेन जी है दीपक भाई, सियानी कौन कर रही है। तो गाइस धनंजय भाई भी तैयार वैयार होके आ चुके हैं। तो धनंजय ये रूम, मतलब ये पीजी कितने का लिया है आपने? भाई 9,000 रुपये का। 9,000 रुपये का है, और मतलब 9,000 रुपये सब कुछ इंक्लूड है इसमें। धनंजय तू अपनी धनंजय तू अपनी इमेज संभाल ली भाई, ठीक है यूट्यूब पे आने के बाद। दीपक भाई गैंगस्टर है ना हमारे, ज्यादा बोल देना तो कमर पे बेल्ट मार। अबे यार ये बताओ, ये जीएलए यूनिवर्सिटी की सबसे खतरनाक गैंग किसकी है? दीपक की। दीपक ही खतरनाक है। दीपक सच में ऐसा है? गैंगस्टर मौजूद तो है हमारे। हम तो भाई बिल्कुल बिल्कुल, हमें बस पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पे ना होती लड़ाई भाई, मैं तो भाई सामने जाती कर देता हूं भाई, हम पे नहीं है। दीपक सच में ऐसा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
अरे वैसे कोई तुम्हारी अपोजिट पार्टी भी तो होगी जो सबसे खतरनाक होगी। थी क्या नाम था उस गैंग का? कई तो मिटा दी। अभी धनंजय दीपक को टेम्पू में बैठाने जा रहा है ऑटो में, और अभी हम सब जा रहे हैं गोवर्धन मेरी बुआ के यहाँ घूमने, एंड हम तीनों जाएंगे, मैं कृष्णा और धनंजय बाइक से, और दीपक को ऑटो से भेजेंगे वहाँ तक, फिर वहाँ से हमारा एक और दोस्त आएगा, सो मिलते हैं आगे। सो गाइस प्लान में सडन चेंज आ गए हैं, दीपक और मैं जा रहे हैं ऑटो से, ये दोनों बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि एक बाइक पे मतलब मैंने वो पहले वाला जो पार्ट लिया था ऑटो वाला, दीपक ने बोला नहीं हम अकेला ऑटो से भी जाऊँगा, तो पहले हम चारों ने कोशिश की इस बाइक पे आने की, और से जा रहा है ऑटो से। फिर हम फिर हमने गेम खेला पुकम पुकाई, उसमें दीपक हार गया, तो अब दीपक को कंपनी देने के लिए मैं दीपक के साथ ऑटो से जा रहा हूँ। सो गाइस अभी हम फाइनली सबके सब, धनंजय गर्वित कृष्णा सिद्धार्थ दीपक हम सब मेरे भैया के शोरूम पे आ चुके हैं गोवर्धन में, और ये हीरो का शोरूम है, मैं आपको दिखाता हूँ, खुल जा भाई, देखो भाई सारी बाइक्स वगैरह बिक रही हैं इधर, और इधर इन्होंने नई बाइक खरीदी है तो उसकी एक्सेसरीज वगैरह लग रही है, बाकी सारी बाइक्स हैं विदा वी वन एक्सट्रीम वगैरह सब कुछ डिस्काउंट वगैरह भयंकर चल रहा है, और दिवाली की वजह से माहौल बना हुआ है भाई, स्प्लेंडर वगैरह सब कुछ है देखो। तो ये अपना शोरूम है, बाकी किसी को गाड़ी वाड़ी चाहिए तो कमेंट वमेंट कर देना, बाकी अभी घूमने आए ऐसे तो ऑफिस में बैठते हैं, चलो भाई सो मिलते हैं आगे। तो गाइस बाकी ये है अपना शोरूम जमुना मोटर्स नाम से, बाईपास गोवर्धन चौराहे, ये बाईपास के लिए गया है, बाकी सही है सिस्टम। बाकी दीपक कृष्णा और सिद्धार्थ गए हैं इधर टेस्ट ड्राइव करने, और ये अपना शोरूम है देख लो दोबारा, और इधर गर्वित और धनंजय कहीं जा रहे हैं तो देखते हैं इधर भी, सो मिलते हैं आगे। सो गाइस ये है शिज्जू मेरे भैया का डॉगी, इसका नाम है ट्रिपी, ट्रिपी आओ आओ, ऐसे क्या देख रहे हैं भाई, ले आ हैंड चेक, अभी खेल रहा था ये हैंड चेक, वो चढ़ गया, वो खड़ा हो गया दोनों, हेलो हेलो, चलो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय कर दूँ, बाय 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 टाटा बाय बाय बाय, जाओ अब जाओ गाड़ी मोड़ लो, बाय करते हुए जाओ बाय। तो गाइज़ वापस आ चुके हैं घर, और सुबह 3 बजे घर आए, और दीपक मैं कृष्णा मेरे घर पे ही सोए, फिर सुबह सब अपने अपने घर चले गए, एंड मैं आप सबको अपनी दिवाली की शॉपिंग दिखाना चाहता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली अपने लिए शूज़ लिए हैं, और मैंने पहली बार अपने लिए कुर्ता पजामा लिया, मतलब मैंने कुर्ता पजामा पहने नहीं आज तक, पहने भी होंगे तो मेरे बड़े भाई के एक ही बार पहने होंगे, सो कुर्ता पजामा लिए, चप्पल लिए, ठीक है जो कुर्ते पजामा के संग कोल्हापुरी चप्पल होते हैं वो ली, सो वो सब दिखाता हूँ मैं आपको, सो चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसे घूमना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैंने ये जूते लिए एशियन के, ये देखो भाई, जो लोग मुझे बहुत पुराने से जानते हैं उनको बस एक ही चीज़ पता है कि मुझे जूतों से बहुत प्यार है, एशियन के ये जूते लिए, फिर कैंपस के ये जूते लिए थे, ये एक दिन बाद आए हैं, ये एक दिन पहले आए थे, और ये बाइक के गियर डालने की वजह से गंदे हो गए, एज कलर इसका भी अच्छा है, और ये अपना कुर्ता पजामा हो गया, ये भी अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ये कलर है, और ये अपनी चप्पल है, 200 रुपये की चप्पल आई थी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई देखो बाटा की जगह यहाँ पे बाला लिख रखा है ब्रांड कॉपी बचाने के लिए, बाकी एक ही चीज़ की कमी रह गई, वो रह गई अपनी घड़ी की, घड़ी यार मेरे पास थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये अपनी घड़ी है यहाँ पे, पहले तो ये इस जगह से, ये देख रहे हो इस जगह से टूट गई थी, और अब ये चार्ज नहीं हो रही है, इसका चार्जर मेरे से ख़राब हो गया था, अब ये चार्ज नहीं हो रही है, तो दिक्कत क्या आ गई है, अब इसको दिखवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया, तो अब एक बस हाथ में घड़ी की कमी है, बाकी जूते स्टॉक पूरा हो चुका है, और चप्पल वप्पल कुर्ता पजामा दिवाली के लिए तो सब सेट है, पटाखे वटाखे तो प्रैंक्स हो जाने, क्योंकि मुझे पटाखे फोड़ने का इतना शौक नहीं, मेरे छोटे भाई को शौक है, वो भी दीपक का पता चला कि दीपक मतलब पटाखों की दुकान खोल रहे हैं कहीं मीनाकोटी बाज़ार में,
जो भी आगरा में लोग रहते हैं उनको पता है मीना कोठी बाजार का है, तो दिवाली से 2-3 दिन पहले वो पटाखों की दुकान खोलने वाला है, तो मस्त सिस्टम बैठेगा, सब पटाखे लेना और 50% डिस्काउंट देने वाला है, मुझे उसने मुझसे साफ बोल दिया। सो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आपको सच बताऊँ, मेरा अभी भी गला हाफ अंदर से ऐसा लग रहा है कटा हुआ है, कफ निकल रहा है और बुखार कभी भी आ जाता है, तो ये वाली चीज़ें हैं। सो सॉरी फॉर द लेट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सबसे अच्छा कंटेंट दूँ। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड दोबारा से। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। Thank you.